हिंदू हृदय सम्राट अमन भाई है और इनके चेहरे से पूरे भारतवासी पूर्ण परिचित है। मनीष कश्यप के मामले में भी आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए और मनीष कश्यप के लिए इन्होंने कितनी लंबी लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं, जब से मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है और मनीष कश्यप को बाहर लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, मनीष कश्यप के समर्थक उससे भली भांति परिचित हैं। इसके साथ ही साथ आज जो इनके साथ जो समस्या आई है, तो जरूरत है सभी सनातनियों को इनके साथ खड़े होने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि युवा हिंदू हृदय सम्राट इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि जहां पर भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने परंपरा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जहां इनकी जरूरत होती है, अमन भाई एकदम खड़े होते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते हैं बल्कि बुलंदी के साथ अपनी आवाज भी रखते हैं, और उसके बावजूद इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनको जिला बदर करने का नोटिस जारी हो गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात तो यह है कि हमारे देश हिंदुस्तान में ही आज हिंदू लोग अपने भगवान का नाम नहीं ले सकता है, आराध्य का नाम तक नहीं ले सकता है। अगर आप प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हैं, अगर आपके धर्म पर कोई कुठारघात करता है और आप उसके खिलाफ अगर बात अगर रखते हैं, तो आप पर ही उल्टे कार्रवाई किया जाता है। और सरकार और प्रशासन की तरफ से इन पर जो कार्रवाई किया गया है, जिला बदर करने का नोटिस जो जारी किया गया है, अमन भाई खुद अपने मुंह से बताएंगे कि आखिर इनके साथ क्या हो गया है। बताइए अमन भाई, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा भगवो प्रणाम, जय श्री राम, हरण माधव, जय दुराग। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप राष्ट्र हित की और सनातन हित की बात कीजिएगा और अधर्मियों का जवाब खुले तौर पर ग्राउंड लेवल उतर के दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा। जी हाँ, जहाँ भी होता है हमारे धर्म पर कुठाराघात, वहां मैं आवाज उठाता हूँ। मेरी आवाज जितनी ही दूर जाती मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे हाथ में बेड़िया पहनना पसंद है, हाथ में अमन कुमार चूड़िया नहीं पहन सकता है। इसलिए बात कर लीजिए स्टालिन की, या बात कर लीजिए बड़े बड़े बिहार के नेताओं की, या वैसे वैसे अधर्मियों की जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मैं उसे खुले तौर पर उसका विरोध करता हूँ और जम करके विरोध करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 14 की रामनवमी की घटना है, रामनवमी का सेकंड मंगला था और हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है। और इस इंटरनेशनल रामनवमी में हम सभी को मंगला के दिन में भगवा ध्वज लेकर के जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। उसी प्रकार से झंडा चौक पर अमन कुमार के द्वारा भी श्री राम का उद्घोष किया जा रहा था। भारी संख्या में लोग रोड पे उतरे हुए थे, क्योंकि हम लोग मंगला जुलूस इसी प्रकार से निकालते हैं, तो कानून व्यवस्था को खराब करने को लेकर के मेरे ऊपर में एफआईआर, शायद मुझे भी जानकारी नहीं है, किया गया है। उसी के आलोक में मुझे एक चिट्ठी निर्गत कराई गई है। ये चिट्ठी आप दे सकते हैं, उपायुक्त का चिट्ठी है, डीसी का चिट्ठी है, इसमें अधीक्षक महोदय की भी संलिप्तता है। और इसमें बताया जा रहा है कि मेरे द्वारा विधि व्यवस्था हजारीबाग जिला का खराब हो सकता है, इसलिए आपको जिला बदर किया जा रहा है। आपको जिला बदर क्यों ना करे, आप दिनांक 10 तारीख यानी कि आज आकर के 11 बजे जवाब दीजिए कि आपको जिला बदर क्यों नहीं किया जाए। तो मुझे जिला बदर इसलिए किया जाए क्योंकि मैं राम का नाम करता हूँ। मुझे जिला बदर इसलिए किया जाए क्योंकि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, चाहे वो ओबीसी हो या कोई छोटा मोटा नेता हो या कोई तुच्छ लोग हो, मैं उस पर एफआईआर कर देता हूँ। मुझ पर मुझे जिला बदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री का जो बेटा है स्टालिन, उदय निधि स्टालिन, वो जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है उसका विरोध करता हूँ। जी हाँ, हमारे हजारीबाग ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को त्रिभ्रमित करके उनके हलाल खिलाया जाता है, उनके जफा मीट खिलाया जाता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं खुले तौर से कहता हूँ कि मुसलमान भाई जफा मीट खाइए आपके धर्म में, लेकिन हिंदू जफा नहीं खाएगा, वो झटका खाएगा। ये विरोध करने से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का जो सेल है वो डाउन हो जाता है। इस तरह के वीडियो को लोग 25 मिलियन लोग व्यू मतलब देखते हैं, सिर्फ अमन कुमार के पेज से देख लेते हैं, जिससे इन लोग का कहिए कि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है कि आज पर जो पड़ोसी राम को अवध टिप्पणी करता है उसमें मैं एफआईआर करता हूँ। ये मेरा अपराध है। हाल में ही बजरंग बली पे पेशाब करके वीडियो जिसने डाल देता है उस पर मैं एफआईआर करता हूँ, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। ये मेरा अपराध है। हाल में ही बजरंग दल का शौर्य यात्रा में जो गाड़ी जाती है वो हमारी माँ बहनों को पेलावल में रोक करके पत्थरबाजी करके उन्हें मारा जाता है, और जिस प्रकार द्रौपदी का साड़ी खींचा जाता है उसी प्रकार से हमारी माता बहन का अलग में साड़ी खींचने का कार्य किया जाता है। माँ बहन हे राम करके पिलकती रहती है और यह साड़ी खींचने का कार्य करते हैं।
एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे अमन जी, कि सबसे पहला हमारा सवाल है कि स्टालिन का बेटा उदयनिधि हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है, आरजेडी का बिहार का एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह नाम है, वो माता दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जिससे कि पूरे देश में दंगा फैल सकता है, आग फैल सकता है, लेकिन आपके ऊपर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहीं आपको इसलिए तो टारगेट नहीं किया जा रहा क्योंकि आप मनीष कश्यप को भी सपोर्ट कर रहे हैं और झारखंड में भी उसी गठबंधन की सरकार है जिस महागठबंधन की सरकार बिहार में भी है। जी बिल्कुल, बात हो सकता है क्योंकि तीखी मिर्ची सबको लगी है कि अमन कुमार बेखौफ होकर के राष्ट्रवादियों का समर्थन करता है। मैं मनीष कश्यप का भी समर्थन किया ग्राउंड लेवल पर, मैंने बाबा बागेश्वर धाम का भी ग्राउंड लेवल पर समर्थन किया और मैं वही हूँ जो कि हर एक राष्ट्रवादी का समर्थन ग्राउंड लेवल पे उतर के करता है। इसलिए अमन कुमार का विरोध होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रवादी का समर्थन करके सच्ची बातों को सबके सामने रख देता है। सभी लोग बोलते नहीं, ये तो राइट नंबर बता रहा है, हम लोग रॉन्ग नंबर में फंस रहे थे। ये भी कारण हो सकता है कि मेरा विरोध किया जा रहा है, मेरे ऊपर बड़े बड़े राजनीतिक तज्ञ जो लग गए हैं और अधिकारियों को अपने हिसाब से दौड़ा रहे हैं कि अब तुम इस प्रकार का इस पे नियम लगाओ, इसको जिला बदर करो, तो एक जिला से निकालने से क्या हो जाएगा, मैं पूरे भारत में भगवा लहराने की बात करता हूँ। जी हाँ, मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। नहीं तो एक अमन कुमार को जिला बदर करने से क्या हो जाएगा, हजारों अमन कुमार फिर जमा हो जाएंगे, फिर घर से निकलेंगे हजारों अमन कुमार। बिल्कुल, और आपके साथ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की दुआ आपके साथ है और करोड़ों सनातनी आपके साथ है। हम सभी सनातनियों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि अभी अमन कुमार के साथ आप लोग खड़े हों, वरना कोई अमन कुमार फिर सनातन धर्म के लिए ध्वजा लेकर निकलने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज अगर कोई अमन कुमार पर जो कुठारघात प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, अगर अभी अमन कुमार को अगर लोग अकेला छोड़ देते हैं, अभी अगर साथ अगर नहीं आते हैं, तो फिर कोई अमन कुमार खड़ा नहीं होगा और किशन लाल कमलेश तिवारी की तरह ऐसे ही लोगों को मतलब क्या किया जाता है सभी लोग जानते हैं और ये क्यों किया जा रहा है। इसीलिए जी बोलिए, लगातार मुझे, मैं आपके सामने अगर अपना ये पेज का फोन नंबर ऑन कर दूं तो लगातार अभी भी दुबई से, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से मुझे लगातार फोन आती है और यहाँ तक कि बिलावल से, हजारीबाग के कुछ कुछ मुसलमानों का फोन आता है। मुसलमान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रहीम, कोई अब्दुल, कोई फारूक होता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें इर्द गिर्द घूम रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरे पास ऑडियो एविडेंस है इसका, मेरे पास, मेरे चैट में आप जाके देख सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके फेसबुक में देख सकते हैं, 47,000, 45,000, 22,000, 11,000, 60,000 कमेंट पड़े हैं जिस कमेंट में साफ साफ लिखा जाता है कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारा नंबर आ गया है, तो ये कमलेश तिवारी की तरह मेरी भी हत्या करने का सुनियोजित तरीका है। ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये मेरे हत्या का ये पहला साजिश है और यहाँ से मेरे हत्या का साजिश शुरू होता है। यानी आपको धमकी दी जा रही है, जान से मारने की आपको धमकी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है और उसके बदले में आपको जिला बदर किया जा रहा है। ये कहीं जिला से बदर कर रहा है कि बाहर मराएगा तो मेरे ऊपर अपजस नहीं आएगा, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये अपजस हमारे ऊपर नहीं आएगी, जो दूसरे स्टेट में मराएगा, दूसरे जिला में मराएगा, तो वो प्रशासन समझे हम अपना पल्ला छोड़ा ले। सीधी सी बात है, या हो सकता है इनको यूज किया जा रहा है ताकि यहाँ से निकल जाए तो उसके बाहर में सुरक्षित हो जाएगा मन, तो मुझे मारने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है, जिस तरीके से मनीष कश्यप के खिलाफ रचा गया, ठीक उसी प्रकार से आपके खिलाफ भी बड़े स्तर पर सुनियोजित ढंग से साजिश रची जा रही है। साजिश रची जाएगी, ये होता रहेगा। मुझे बस ये याद है कि बजरंग बली का साथ मेरे साथ में, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने बजरंग बली पे पूर्ण विश्वास है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, बस इसी का राग मुझे जपना है, राम राम करना है, बाकी देख लेंगे सभी अधर्मियों को, उसकी इतनी शक्ति नहीं कि पड़ोसी राम के भक्त पर एक भी आंच ला सके। और पड़ोसी राम की मर्जी होगी तो उनका बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे, नीचे किसी की हिम्मत नहीं है कि इस बजरंग बली के भक्त को ऊपर बुला ले या ऊपर भेज दे। सभी सनातनी आपके साथ इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, आप अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी शुभचिंतकों को यह साथ देना चाहूं कि आप अमन कुमार का साथ नहीं दीजिए, आप खुद का साथ दीजिए, अपने सनातन धर्म
का साथ है वही क्या वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, आप भी अमन कुमार बनिए, आप भी उन पर FIR कीजिए, कोई आपके सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करता है तो आप उस पर करारा जवाब दीजिए, आपको अमन का साथ देने का आवश्यकता नहीं है, अमन के साथ स्वयं बजरंग बली है, बजरंग बली तय करेंगे कि अमन के साथ क्या करना नहीं करना है, आप अपना सुरक्षा कीजिए, अपनी माँ बहनों का सुरक्षा कीजिए, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद के चंगुल से बचाने के लिए हमेशा निरंतर आवाज उठाते रहिए, आप गूगल में सिर्फ आप सर्च कर लीजिए कि सबका अब्दुल एक सा, सबका अब्दुल एक जैसा, उसमें अमन कुमार का फोटो आ जाएगा, अमन कुमार का फोटो आ जाएगा, ये ट्रेंडिंग वर्ड अमन कुमार ने लाया है, खुले तौर पे बोलता है कि सबका अब्दुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए कि बहन बेटी जागरूक हो, ये लव जिहाद का मामला रुके, हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात करने से पहले सोचे, ये चेहरा मात्र, ये चेहरा मात्र लोग देखते हैं तो देखते ही सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, अमन भैया जय श्री राम कहते हैं, मैंने राम के नाम की कमाई की है, मैं कोई गोल्ड कोयला माफिया नहीं हूँ, बालू माफिया नहीं हूँ, कोई जमीन माफिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हूँ तो पर उस श्री राम का अनन्य भक्त हूँ, मुझे लोग देखते ही जय श्री राम कहते हैं, यही मेरी कमाई है और इसी कमाई के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, अपने राम काज में लगा रहूंगा, अपने मठ मंदिरों को आजाद करने के लिए आवाज उठाता रहूंगा, जी हाँ मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं।